नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लेनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सवाल है फोर्स एक्जटेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज अ मैग्नीट्यूड ऑप्शन है एम जी एम जी बाय कॉसिटा एम जी कॉसिटा या फिर एम जी टेन थीटा ना इसका राइट आंसर होगा आपका एम जी थीटा कैसे समझते हैं सो so, ये आपका इंक्लाइन प्लेन इसका एंगल थीटा और यहाँ पे आपने रखा हुआ है एक ब्लॉक Uh, जिसका मास एम है सरफेस uh, आपकी फ्रिक्शन है और ये इनक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है ना इस केस में अगर आप इस ब्लॉक एम का एफ बी डी बनाएंगे तो इसका एफ बी डी कुछ ऐसा बनेगा कि नीचे तो इसका फोर्स लगा एम जी और ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल और ये यहाँ से अगर ये एंगल थीटा है तो इससे uh, काम ये करते हैं ये सरफेस भी बना लेते हैं तो ये एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है सो तो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर आपका एक फ़ोर्स लगेगा जिसको आप कहेंगे नॉर्मल सो so, ये दो फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं सवाल ये है कि नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी या फिर इंक्लाइन प्लेन ने मास के ऊपर कितना फोर्स लगाया सो so, अगर इस एम को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे सो so एम को दो पार्ट में ब्रेक करें कि इस डायरेक्शन में ये एंगल आपका थीटा है सो दिस विल बी इक्वल टू एम जी थीटा और इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे अलॉन्ग इंक्लाइन सो दिस विल बी एम जी थीटा अलग सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू यहाँ पे अपना आ जाएगा नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी कॉस्टा ये आपकी नॉर्मल की वैल्यू होगी जो आपके इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक uh, के ऊपर फोर्स लगाया सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर